सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक सारी डिटेल साझा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा गया है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 19 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू किया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये रकम 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। इसे खरीदने की प्रक्रिया क्या थी, चलिए आपको बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जारी किया जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए इस बॉन्ड को जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस इन बॉन्ड को खरीद सकता है। बॉन्ड मिलने के बाद 15 दिन के भीतर राजनीतिक पार्टी को इन्हें अपने खातों में जमा करना होता है। कानूनन राजनीतिक पार्टियां ये बताने के लिए बाध्य नहीं थी कि उन्हें बॉन्ड कहां से मिला। साथ ही एसबीआई को भी ये बताना जरूरी नहीं था कि उसके यहां से किसने और कितने बॉन्ड खरीदे हैं। कहां रखी जाती है ये सारी डिटेल, चलिए आपको बताते हैं। बॉन्ड किसने खरीदा और किसे दिया, इसकी डिटेल एक ही जगह रखी जाती है मगर अलग अलग। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि डोनर और रिसीवर की डिटेल अलग अलग सील बंद लिफाफों में मुंबई की मेन ब्रांच में रखी जाती है। तो टाइम क्यों लग रहा है एसबीआई को, चलिए ये भी बता देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डोनर और रिसीवर की डिटेल एक ही ब्रांच में है तो फिर इसे जमा करने के लिए एसबीआई और टाइम क्यों मांग रहा था। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दोनों की डिटेल क्रॉस मैचिंग करने के लिए अभी और समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 2 अलग अलग सीलबंद लिफाफों में है और इनका मिलान करके डिटेल जारी करना लंबी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए अपने फैसले में एसबीआई से 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था। एसबीआई ने बताया कि इस दौरान 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, यानी 2 अलग अलग सीलबंद लिफाफों में 44,434 डेटा सेट है। एसबीआई ने यह भी दलील दी थी कि तय प्रक्रिया के तहत केवाईसी और बाकी डिटेल सहित बॉन्ड खरीदारों की कोई डिटेल कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं रखी जाएगी। एसबीआई ने कहा था कि कोई भी डिटेल डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी सार्वजनिक करने को क्यों कहा? दरअसल 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कौन कौन सी डिटेल एसबीआई को देनी है, चलिए आपको बताते हैं। 12 मार्च तक एसबीआई को 2 अलग अलग डेटा सेट जमा कराने होंगे। पहला, किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, किसने खरीदा और उसकी वैल्यू कितनी थी। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला, किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया गया और कितने बॉन्ड एनकैश हुए। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा मिला, किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया गया। भले ही एसबीआई को बॉन्ड खरीदने वाले बॉन्ड की वैल्यू, बॉन्ड खरीदने की तारीख और किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड से कितना चंदा मिला, ये सारी जानकारी देनी होगी, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसने किस राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया।
ये एक तरह से अपवाद है क्योंकि SBI ही एकमात्र ऐसी बॉडी है जो बता सकता है कि किसने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि क्या किसी डोनर को किसी सरकारी नीति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ है। चुनाव आयोग में दाखिल 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 1294 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, जबकि उसकी कुल कमाई 2360 करोड़ रुपए रही, यानी बीजेपी की कुल कमाई में 40% हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा है।